MIUI 14 Elite ROM Lite का 23.3.20 जो है लेटेस्ट बिल्ड आ गया है। लास्ट 23.3.7 वाले का मैं रिव्यू किया हुआ था Mi 11X, Poco F3 और Redmi K40 के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ। हालांकि ज़्यादा चेंज तो नहीं है, वीडियो भी काफ़ी छोटी है, जो चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड जैसे कि रोम आता है, इंस्टॉलेशन आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा पहले वाला, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें क्या कुछ मिलेगा मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। MIUI 14 Elite ROM Lite का ये जैसे कि 23.3.20 बिल्ड है। डिटेल्स इन्फो के अंदर जाते हैं, एंड्रॉइड वर्जन 13 है, सिक्योरिटी पैच मार्च का ही है और कर्नल भी सेम ही मिलता है। इनमें हालांकि ऐसा कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता और कंट्रोल पैनल अभी भी आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है। यहाँ पे कुछ न्यू हालांकि ऐड नहीं हुआ है, जो पहले मिला करता था सब कुछ वही रहेगा। वॉल्यूम पैनल भी सेम है, 4 पैनल वाला देखने को मिलेगा और पावर मेन्यू भी हमारा जो है 3 पैनल वाला ही देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके ऐप बोल्ड के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। होम स्क्रीन विजेट्स या दोनों जो है ऐप बोल्ड का सेम ही रहेगा इंग्लिश में सब कुछ। आइकन पर आपको फ्री आइकन्स देखने को मिल जाते, जो पेड वाले थे वो आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिल जाएंगे। इनका यूज़ आप कर पाओगे, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फ्री में काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो फोल्डर एडिट फोल्डर, इसमें भी एक डबल एक्सल तक का मिल जाता है। ऐप ओपनिंग काफ़ी स्मूथ है, हालांकि 90 हर्ट्ज पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी इस तरीके से काम कर रहा है, कोई यूआई लैग देखने को नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ ऐप ओपनिंग रहने वाली है। और अगर रैम की बात करते हैं तो 6 GB वेरियंट वाला मेरा डिवाइस है, तो यहाँ पर जो है 2.7 से लेकर अगर 3 GB तक जो है करीब फ्री देखने को मिल जाता, बाकी एक्स्ट्रा जो यूज़ करो वो भी साइड में देखने को मिल जाता है। अगर कॉलिंग की बात करें तो 5G से इसके अंदर काम कर रहा है, फिक्स किया गया इसको। और कैरियर वीडियो कॉल ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का पहले इश्यूज़ था लेकिन अभी फिक्स कर दिया गया इसको भी, तो वाईफाई कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, तो ये वर्किंग है बिल्कुल अच्छे से, कॉल रिकॉर्डिंग भी और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा यहाँ पे सेम रहेगा, कैमरे के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बाकी भी जो ऑप्शन है काम कर रहे हैं अच्छे से, GCam भी वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट जैसे कि सर्टिफाइड आता है, जो सेफ्टी नेट इसके अंदर वो पास रहेगी, बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज हमें मिल जाता है, ओरिजिनल क्वालिटी में जो है अपलोड कर पाओगे। ओके गूगल ये भी बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। और एप्लीकेशन यहाँ पे ज़्यादातर जो भी हैं आपके अपडेटेड मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सभी एप्लीकेशन मोस्टली आपके अपडेटेड रहने वाले हैं। और एंटूटू स्कोर 7,07,528 मिला है, पिछले में 7,08,000 था, यानी कि पहले जैसा ही स्कोर है। CPU थ्रोटल यहाँ पे 94% मिला है, जिप स्कोर देखें तो मैक्स पे 2,20,000 है, एवरेज स्कोर 2,13,000 है, पिछले में CPU थ्रोटल 91% था और जिप स्कोर मैक्स पे 2,34,000 था, एवरेज स्कोर 2,24,000 था, तो आसपास था यहाँ पे मिलता है, इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। और गीगबेंच स्कोर सिंगल में इस बार 1,283 आया, मल्टी के अंदर 3,372 है, पिछले में सिंगल 1,122 था और मल्टी के अंदर 3,246, यानी कि ये भी जो है आपका वही पहले जैसा सभी स्कोर मिल जाते हैं, कोई चेंज नहीं है। और स्क्रीनशॉट पे आपको जो है जैसे कि डिवाइस फ्रेम वो आपको मिल जाएगा, आपके खुद के डिवाइस का जो फ्रेम ऐड करने के लिए ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है स्क्रीनशॉट के लिए, ये पहले ही से था, पहले भी आपको जो है मिलता था ये, तो अभी भी ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं सेटिंग्स की तरफ चलते हैं, तो कनेक्शन एंड सेटिंग में कास्ट काम कर रहा है। एलेट कस्टमाइजेशन जो लाइट वाले मिलते हैं ये आपका वही सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन सेम है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सब जो है काम कर रहा है। चार्जिंग एंड मेसिंग आपका पहले वाला रहेगा। डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड कलर स्कीम काम कर रहा है, बट यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है उस टाइम पे जब लास्ट रिव्यू किया था तो काम नहीं कर रहा था 90 हर्ट्ज़ वाला, लेकिन अभी जो है इसको फिक्स किया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उस टाइम मेरा ट्राई किया था नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम अप कर रहा है इस बिल्ड के अंदर। और साउंड एंड टच की बात करें यहाँ कोई चेंज नहीं है। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर ये भी पूरी तरीके से सेम ही है, इसमें भी कोई चेंज हुआ नहीं है। हाइड नोच बिल्कुल परफेक्ट हाइड हो जा रहा है। और होम स्क्रीन ये भी पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर भी कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। जेस्चर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करा और बटन भी अच्छे से काम करेगा। और iOS रीसेंट स्टाइल भी आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर भी फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड रोम ही है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी पहले भी अच्छी देखने को मिलती थी इसके अंदर में, और अभी भी अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। बैटरी में कुछ भी यहाँ पे डाउनग्रेड या अपग्रेड नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें ऐप्स की, तो डुअल ऐप लोग का यूज़ कर पाओगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो लैंग्वेज मिलती है वो सिर्फ इतनी ही मिलेगी जो पहले मिला करती थी, वही सेम है। और जैसे कि रीजन चेंज कर पाओगे, क्लियर स्पीकर है, मेमोरी एक्सटेंशन, फ्लोटिंग विंडो, ये सब आपका पहले वाला ही रहेगा।
इनमें किसी में कोई भी चेंज या कुछ बदल कुछ नहीं हुआ है। स्क्रीन टाइम, फोकस मोड, ये सब भी आपका सेम ही रहने वाला है। बाकी फिर नीचे अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पे गेम टर्बो के बारे में, तो गेम टर्बो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, वॉइस चेंजर बिल्कुल काम कर रहा है और ग्राफिक आपका 90fps बाय डिफॉल्ट अनलॉक मिलता है। BGMI में अगर बात करें तो यहाँ पे अनलॉक है पहले जैसा ही, स्मूथ एंड 90fps पे खेल रहा हूँ, बट डिस्प्ले से भी 90fps 90Hz सेलेक्ट कर लेना या फिर 120Hz, तभी आपका 90fps यहाँ पे जो है गेम पे चलने वाला है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर में, गेमिंग में कुछ भी डाउन नहीं हो, जैसे कि स्कोर भी आपको बताया सिमिलर सा है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो है न्यू फीचर तो इतना कुछ खास देखने को हमें नहीं मिले हैं, ज़्यादा कुछ उतना चेंज हुआ नहीं है, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे तो वाईफाई कॉलिंग फिक्स किया गया, रिफ्रेश रेट 90Hz काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है उस टाइम पे काम नहीं करता जब मैं 23.3.7 वाले का जब किया था, फर्स्ट जो मार्च का बिल्ड आया था फर्स्ट ही साथ हो, तो उसका जो है उसमें प्रॉब्लम था ये चीज़ें, लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिक्स हो चुका है। जैसे कि एक दो अपडेट छोड़ के मैं रिव्यू हमेशा करता रहता हूँ, तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल ज़रूर यहाँ पे कुछ फिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो हुआ इन सब चीज़ों में, बट यहाँ पे आपका बाकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले जैसा अच्छा ही देखने को मिल जाता है। और इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे रहेगा पहले वाला, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ऑरेंज फॉक्स से मैं हमेशा इंस्टॉल करता हूँ, तो आप इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल कर लेना, लेटेस्ट वर्जन रिकवरी आप यूज़ करना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।